शराब तस्करी में पूर्व विधायक जेजेपी नेता सतविंदर राणा की गिरफ्तारी के बाद अभय सिंह चौटाला ने खट्टर सरकार से जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने कहा है कि शराब माफिया को एक्साइज विभाग और एक्साइज मंत्री यानी डेपुटेशन चौटाला का संरक्षण है और इसीलिए लॉकडाउन के बीच में ही ठेके खोलने का बार बार प्रयास किया। अभय इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज को बधाई दी है और सरकार से मांग करी कि वह जेजेपी को सत्ता से बाहर करे। जेजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा जिस व्यक्ति ने, और जो आज भी जेजेपी का पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है, और जो शराब घोटाला जो हुआ है, हम बहुत दिन से ये बात कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब का माफिया सक्रिय है, और ये जो शराब का माफिया है इसको सरकार की और विशेष रूप से एक्साइज डिपार्टमेंट की, एक्साइज मिनिस्टर की प्रोटेक्शन है, इसलिए ये माफिया सक्रिय है। बारी बारी इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से प्रयास किए गए थे कि शराब के ठेके खोले जाएं, शराब के ठेके खोले जाएं, ताकि ये माफिया जो था, ये जो पीछे शराब की बिक्री यहाँ पे हुई, जिस तरह से बाहर से माल ला करके या जो गोदामों में माल जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रखा हुआ था पकड़ करके जिन लोगों से, उस सारे चीज़ पे कैसे लिपापोती हो, उसको बचाने के लिए सारी चीज़ों का एक षड्यंत्र बनाया जा रहा था। बधाई दूंगा अनिल विज जी को कि जिन्होंने इसमें तुरंत जैसे उनको पता चला जी सर, उन्होंने इस पर एक्शन लिया। मैं उम्मीद करूँगा कि और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए, और जब तक ये सारी चीज़ें चल रही है इस पर जब तक इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि जेजेपी पूर्ण रूप से शामिल है इसमें, इसलिए जेजेपी को सत्ता से बाहर होना चाहिए। अगर ये अपने आप बाहर नहीं होते तो इनको सत्ता से बाहर करके इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। केवल इसकी इंक्वायरी नहीं, धान घोटाले की जाँच होनी चाहिए, गेहूँ में जो घोटाला हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, सरसों में जो घोटाला किया गया उसकी जांच होनी चाहिए। इन सब की जब जांच होगी तो 100% एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होगा। बड़े रैकेट के बारे में लोगों को पता चलेगा किस सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने किस तरह से प्रदेश के किसान को लूटने का काम किया और माफियाओं को प्रोटेक्शन देने का काम किया। इन माफियों से लोगों को बचाया जाए, इसके लिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर तहलका के लिए सिरसा से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।